नमस्कार। जो सबसे कच्चा इस विषय में है, मैंने सोचा था कि आखिरी में सबको सुनकर कुछ अपनी बुद्धि लगा दूंगी, तो मैं ही पकड़ी गई। माननीय इंद्रेश जी को मैंने मंच से पहली बार सुना है। तथ्यों को इतने सीधे साधे ढंग से सामने रख देना, केवल हम लोग इतने ही तथ्यों को देश में फैला सके सोशल मीडिया के मार्फत, एक राम जन्मभूमि का मामला है, राम मंदिर का नहीं। कल अगर आईएसआईएस के बहावी लोग मक्का और मदीना को ध्वस्त कर दे, जैसा कि पिछले 1.5 साल पहले हुआ था, तो क्या ये इस्लामिक जगत में बहस चलेगी कि वापस उसको ठीक कर लिया जाए कि ना कर लिया जाए? जबकि मोहम्मद साहब ने ईंट पत्थर का कोई भी मस्जिद नहीं बनाया था, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ताड़ के पत्ते वत्ते से कुछ नमाज वगैरह वहाँ अदा की गई थी, और मक्का मदीना का सब कुछ नष्ट करने के लिए बहावी जुटे हुए हैं। दूसरी बात, बाई चांस वैटिकन थर्ड वर्ल्ड वॉर में नष्ट हो जाए तो कोई बहस होगी क्या? तो फिर राम जन्मभूमि पर बहस केवल और केवल दुष्टता, देशद्रोह और धर्मद्रोह है, जिसका दंड इंडियन पीनल कोड के अनुसार क्या है, बहुत गंभीर दंड है। दो बात। तीसरी बात, अगर वो टाइटल सूट की बात है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का नामकरण ही राम जन्मभूमि वर्सेस कोई मस्जिद नहीं है, विवादित ढांचा है, तो भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार का प्रचार विभाग क्या कर रहा है? भारत सरकार का एक काम तो निश्चित है, और वो है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के लिए अगर माननीय इंद्रेश जी ने जिन तथ्यों को बताया है, उन तथ्यों को मीडिया के द्वारा और विज्ञापन के द्वारा, सड़क पर झाड़ू लगाओ इसका विज्ञापन आता है ना, पोलियो का टीका लगाओ इसके लिए अमिताभ बच्चन और शिल्पा शेट्टी और पता नहीं कितने कितनों को करोड़ों रुपए के लिए हायर किया जाता है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार विशेष करके, कम से कम भाजपा शासित सरकारें क्या कर रही हैं? वो क्यों नहीं इन मोटे मोटे तथ्यों का प्रचार एक आधा पेज के अखबार के विज्ञापन और टीवी के विज्ञापन से कर रही हैं, जिससे कि फैसला आने के बाद शांति बनी रहे, मिस इन्फॉर्मेशन का रोल ख़त्म हो जाए। दो बात। तीसरी बात, ये जो माननीय इंद्रेश जी ने एक बात कही कुफ्र की, तो उसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि अगर जमीन दान में आए, जमीन खरीद के आए, दूसरे के जबरदस्ती हथियाई जमीन पर मस्जिद ना हो, ये कुफ्र है, तो फिर कुफ्र तो ये भी है कि अल्लाह के बनाए किसी चीज़ का हूबहू नकल ना हो। और इसीलिए इस्लाम में पेंटिंग नहीं है, इसीलिए इस्लाम में मूर्ति बनाना नहीं है। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं, वो मुसलमान हैं कि काफिर हैं? ये टीवी की बहसों पे जो अपनी शक्ल दिखा रहे हैं, ये मुसलमान हैं कि कुफ्र कर रहे हैं? ये ओसामा बिन लादेन का जो तरह तरह के पैम्फलेट और तरह तरह की जगह की जो फोटो आ रही है, ये तो मूर्ति और पेंटिंग से भी बड़ा कुफ्र है। तो क्या जो मस्जिद मांग रहे हैं
बदमाशी से, दुष्टता से, जबरदस्ती का क्लेश करने के लिए वो मुसलमान है, ये बात तो तय है क्या? मस्जिद तो मुसलमान को चाहिए ना, काफिर को थोड़ी चाहिए। तो ये जो टीवी पर चले आ रहे हैं, अपनी पूरी शक्लें दिखा रहे हैं, ये मुसलमान है कि काफिर है? और कौन मुसलमान है ये जानने के लिए एक बड़ा सीधा साधा तरीका है, दो तीन कुल तो किताब है, या तो कुरान साहब है या उनका हदीस है। तो ये जो मूछ रखते हैं ये तो मुसलमान नहीं हुए। तो एक बार जरा देश में यही बहस हो जाए कि मोहम्मद साहब और इस कुरान साहब के अनुसार मुसलमान कौन है। अब ये बात दूसरी है कि कुरान साहब भी मोहम्मद साहब के जाने के 100 साल या 125 साल बाद या 150 साल बाद कलेक्शन है, एक संकलन है, बहुत सारे संकलन हुए, उसमें बहुत संकलन को फेंक दिया गया और कहा गया ये संकलन ठीक है। तो उसी संकलन के हिसाब से इस देश में कुल कितने मुसलमान हैं, ये तो एकाध करोड़ भी नहीं निकलेंगे। तो इस पर जरा गंभीर विचार हो जाए। था